ट्रस्ट कभी ना तोड़े, अगर ये गैप ना पैदा करे तो कोई मसला ही नहीं है। अच्छा इमरान, ऑन अ वेरी सीरियस नोट, आपको नहीं लगता कि जिस चीज को हम स्ट्रेट फॉरवर्ड होना कह रहे हैं कभी कभार वो बदलिहाजी के जमरे में भी आ जाएगी? पीपल वुड से कि यार ये क्या बदतमीजी है, मैं आपसे सवाल तो कर रहा हूँ लेकिन बजाय अपनी हरकत पे शर्मिंदा होने के आप तो एक तो चोरी ऊपर से सीना चोरी, क्या कहोगे? सीना चोरी और चीज होती है, और एक अपने पेरेंट्स को तरीके से समझाना, उनको एतमाद में लेना, वो और चीज होती है। चलें जी, बहुत बहुत शुक्रिया फॉर दैट कॉल। यूथ की तरफ वापस चलते हैं। इरम, कैसे बताओगी अगर कोई ऐसी चीज है जो मना की है पेरेंट्स ने, तो इन्होंने कहा तरीके से बताएं, क्या होगा वो तरीका तुम्हारा? फर्स्ट ऑफ ऑल तो वो तरीका, यू नो, इट डिपेंड्स ऑन पेरेंट टू पेरेंट। लाइक कुछ पेरेंट्स होते हैं लाइक ही सेड कि आप बड़े मजे से जा करके उनको बता दो कि हाय मॉम या हाय मॉम, आई हैव अ फ्यू गर्लफ्रेंड्स और बॉयफ्रेंड्स, यू नो, दैट्स हाउ सम पेरेंट्स टेक इट। सम पेरेंट्स डोंट टेक इट लाइक दैट, दे रिएक्ट इन अ मच वायलेंट मैनर, और यू नो दे रिएक्ट इन अ मच मोर अग्रेसिव मैनर। सो इट डिपेंड्स अगेन, लाइक अगर आप कुछ गलत नहीं करे, जिस तरह तुबा ने बोला, जिस तरह यू सेड के अगर आप रात में उस टाइम पे बात कर रहे हो पढ़ाई के लिए ही, इट्स सॉर्ट ऑफ लाइक आरंट यू लाइक चीटिंग ऑन योर पेरेंट्स? इफ यू इजंट इट लाइक एन एडवांटेज फॉर पेरेंट्स कि उनको बाहर, ऑब्वियसली लड़कियों के लिए स्पेसिफिकली, रात भर स्टडी ग्रुप्स करना और वो सब पेरेंट्स को कंफर्टेबल नहीं रखता? इजंट इट लाइक अ ब्लेसिंग? यू रिमाइंड मी ऑफ दैट, वो जो टिपिकल नहीं लड़कियों को डिस्क्राइब करने के लिए कि कितनी शरीफ और कितनी सादा है, कहा जाता है कभी दरवाजे से कदम नहीं निकाला, खिड़की से आती जाती थी। तो ये तो वही बात हो गई ना कि ये विंडो जो इन्होंने कहा कि एक छोटी सी स्क्रीन है, उसी खिड़की से आती जाती थी। बस तो फिर हमारे लिए, और एक तरह से आई थिंक पेरेंट्स शुड, यू नो, एंड the thing is accepted, the paradigm shift has taken place, train the parents, yes, to accept it, has happened. अच्छा यही सवाल अगर मैं सोबिया से करूँ, सोबिया एक बात तो हो गई कि ठीक है, अब तुम लोगों को इन्स एंड आउट्स क्या है, एक्सेप्टेंस का तुम लोग इस वक्त पिलर बने हुए हो माशाल्लाह से, कि हर चीज एक्सेप्ट करनी चाहिए, यू नो द गेम वेरी वेल, तुम्हें पता है कि इन्स आउट्स क्या है। वट अबाउट योर यंगर सिबलिंग्स, कि तुम्हें पता है कि अब अगर फोन हो रहा है तो क्या हो रहा है, ग्रुप स्टडी है तो उसमें कितनी स्टडी और कितना ग्रुप है, तो तुम्हारी जो यंगर बहन या भाई हो और वो यही कर रहे हो, तो यू नो द गेम, व्हाट विल बी योर रिएक्शन देन? आई ऑब्वियसली नो व्हाट आई हैव बीन डूइंग, सो आई एम गोइंग टू कैच हिम वेरी वेरी इजीली फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड बट आई थिंक आई एम गोइंग टू सपोर्ट देम बिकॉज आई हैव बीन डूइंग द सेम थिंग, सो आई अलायंस बना रही हूँ, लेकिन रिकंसिलिएशन की नहीं, लेकिन आई थिंक आई विल ऑब्वियसली टेल देम टू स्टे विद इन लिमिट्स, आई मीन आई विल ऑब्वियसली लाइक फॉर मी लाइक आई to be very very honest, I hate cell phones because I know I can't do without them. So obviously I'm going to tell them to stay within limits and use them, but in a very very positive manner. I mean, I'm not saying ke just use it for studies or anything, but like it's very very important to maintain your parents' respect and to maintain their trust and to you know, use it within a prescribed limit. Adil, you're a professional as well, mashallah, and you've done very well for yourself in the corporate world. मुझे ये बताएं कि दीज यंग पीपल आर सून, एक तो ये है ना कि ठीक है तफरी का वक्त है और आप एक रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्री लाइफ है अभी इनकी एज कम्पेयर टू अ प्रोफेशनल, व्हेन दे विल स्टेप इनटू द प्रोफेशनल वर्ल्ड, इस वक्त जो आदतें पड़ जाएंगी, पुख्ता हो जाएंगी कि जी रात को फोन पे बात करना इट्स ऑल राइट, गर्लफ्रेंड अगर एक रिलेशनशिप सस्टेन कर जाए और वो आगे तक बढ़ जाए कि बच्चा ग्रेजुएट भी कर गया उसके बाद भी वो रिलेशनशिप कैरी ऑन कर रही है, बट व्हेन दिस गाय विल देन बी वर्किंग, तब तो ये पूरी रात नहीं बात कर सकता, सुबह ऑफिस भी जाना है, तो फिर प्रॉब्लम ज्यादा नहीं हो जाएंगे? आई थिंक हालात बहुत कुछ चेंज कर देते हैं, जिस तरह अभी हम इतनी देर से बात कर रहे हैं कि जनरेशन गैप है, सेलफोन आ गया है, लोग चेंज हो रहे हैं, बदल रहे हैं, तो आई थिंक व्हेन दे स्टेप इन द कॉर्पोरेट वर्ल्ड एंड देन मैच्योर इनफ टू अंडरस्टैंड द रिस्पॉन्सिबिलिटीज, दे लैक डिफरेंटली, और उसमें जो लोग वर्क लाइफ बैलेंस नहीं क्रिएट कर पाते, दे नेवर रीच दैट लेवल ऑफ सक्सेस दैट दे डिजायर फॉर, सो आई थिंक वो ऑटोमेटिकली उनमें आ जाएगा, बट हेयर आई वुड ऑल्सो लाइक टू मैंशन के फ्रॉम देयर पॉइंट ऑफ व्यू आई थिंक दे विल बिकम आई थिंक इवन बेटर पेरेंट्स बिकॉज दे अंडरस्टैंड द टेक्नोलॉजी मोर। आई मे बी गोइंग बियॉन्ड द कॉल ऑफ द अजम्पशंस एंड द थिंग्स दैट हैव बीन एस्टैब्लिश्ड ओवर हियर, लेकिन अदील एक बात बताएं कि अभी तो रिलेशनशिप है, प्लेटोनिक है, दे यंग, द लेवल ऑफ एक्सपेक्टेशंस जो आपने कहा ना कि ये मेरी एक्सपेक्टेशन है, ये जो इस वक्त सेट हो गया, हस्बैंड एंड वाइफ के लिए ये कैसे इम्पैक्ट करता है? इट हैज, यू नो, जब तक गर्लफ्रेंड है तो चलो शी विल स्टे बैक, बट अ वाइफ एंड अ लॉट ऑफ पीपल आर सेइंग द सेम थिंग, जैसे ये लोग रूम में बैठे, पेरेंट्स ने मना किया बाहर जाने से लेकिन ग्रुप स्टडी हो रही है, लाइक वाइज यू नॉट मीटिंग, यू नो, पीपल हु आर हैविंग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, वो बाहर जाके मिल नहीं रहे लेकिन वो भी टेक्स्ट कर रहे हैं, उनकी भी लेट नाइट कॉन्वर्जेशन चल रही है, हाउ डज दैट इम्पैक्ट लाइफ? आई थिंक
आई थिंक एक्सपेक्टेशन जिस तरह देखें, पहले एक वक्त होता है जब जो इन लोग की एज है शायद वो पेरेंट्स को मॉनिटरिंग करते हैं, बाद में देयर स्पाउसेस विल डू द सेम, सो द सिचुएशन रिमेन्स द सेम. स्पाउस इज मोर टेक्नोलॉजिकली सैवी, या तो दे अंडरस्टैंड टेक्नोलॉजी मोर. दे एग्जैक्टली एज वन ऑफ द यंगस्टर्स सेड दैट यू नो इफ माय यंगर सिबलिंग इज डूइंग समथिंग आई एग्जैक्टली नो व्हाट शी इज डूइंग, सो सिमिलरली योर स्पाउस कैन इजीली मेक आउट व्हाट यू आर डूइंग. ठीक है, so again if you're transparent, if you're open, if you're not doing anything wrong, it's fine, but at the same time even then you need a certain level of privacy for your own things. Doctor sahab se puchhe, doctor sahab, cell phone affairs have become a norm. Oh ho, hamare paas main bhi inse kuch der pehle keh raha tha kuch aisi cheeze hone lagi hai which has really shocked me. And cell phone affairs, from you get to know somebody through a cell phone. The guy comes from UK or comes from Middle East, he marries a girl, stays here for a month and then vanishes. It has become very common, right? Wo wahan se bhej ke wo divorce papers bhej deta hai. It has become very common, 1 month ki marriage, 2 month ki marriage, and because of this cell phone. Anyway, main ek interesting baat karna chahta hu. Hum ye keh rahe the ki where do we draw the line, ki koi cheez advantage hai ya disadvantage hai. We need to draw a line. Sahi. Anything that takes away your self control and controls you is not good. Main experiment chahunga, sare aapke lakhon log dekh rahe hain, youngsters bhi, experiment karke dekhna. Maine aise experiment kai kiye zindagi mein. 1 month ke liye, agar 1 month bahut zyada to let's say for a week, right, shut off television, TV band kar do aur apna cell phone band kar do 1 week ke liye. Either the experience will be euphoric or traumatic, but you will have an experience. Yeah. Ek cheez main aapko bata dun, if you shut ye dono media agar band kar do, to you don't know what kind of an experience you're having, but you will have an amazing experience. Wahan se determine hoga ki how much of a self control you have. Aur agar aapka control aapke paas hai, then use it. डॉक्टर साहब, व्हाट यू आर प्रपोजिंग इज जैसे हम एक हफ्ते के लिए डिटॉक्स पे जाते हैं, जिसमें हम कहते हैं कि जी नो कैफीन, नो स्मोकिंग, मे बी टू सम पीपल वो कहते हैं कि जी नो मीट, आई एम गोना टर्न इनटू अ वेजिटेरियन, उसी तरह अपने सिस्टम को इलेक्ट्रॉनिक डिटॉक्स की भी जरूरत होती है. इंटरनेशनली हमने देखा है कि देयर इज एक्चुअली दिस पर्टिकुलर डे, आई एम फॉरगेटिंग द एग्जैक्ट डेट, लेकिन एक डे सेलिब्रेट किया जाता है जो कंप्यूटर क्लीनिंग डे भी होता है. और कुछ लोग इसको रेगुलर प्रैक्टिस भी बनाते हैं, जो हमने थोड़ी देर पहले बात की थी कि 1,700-1,200 नंबर्स अगर आपके सेलफोन में है, कुछ लोग बड़ा क्रिटिकली उसको टाइम टू टाइम इवेल्युएट करते हैं, या किन लोगों की है जो मुझे जरूरत नहीं है. एंड हु आर द पीपल ऑन योर स्पीड डायल, उनसे आपका क्या कनेक्शन है, ये जानना भी बहुत जरूरी है. आई थिंक व्हेन इट कम्स टू माई स्पीड डायल, आजकल तो माई टीम हैज बिन कम्प्लीटली my family, outside my family actually, yahan pe main zarur naam lena chahungi, the people who are behind this show, their contribution has been just as splendid. Hamare sath Babar hote hain, Babar ne kal baghair, you know, he is the soldier who's been behind all of it. Iske sath sath the interns, again the people jinka maine kal bhi naam liya tha, Beena is there, Salman is there, we have Jahangir, we have Umar, and also the people back at Status Pro who are helping me out, Leila and Asma and Amna. I want to name all of you. Inka, aap logon ka bada contribution hai. Aur jis tarah hum kehte hain na, this acknowledgement goes a long way. Yahan pe main un logon ko bhi acknowledge karna chahungi jo hame regularly email kar rahe hain. Bahut sare logon ne bahut acche acche hame topics suggest kiye hain. Unka kehna hai ki aap in topics pe zarur program karein. Aane wale hafton mein aap dekhenge ki we will definitely do that. One more segment that we have इंट्रोड्यूस्ड यहां पे, ठीक है, हम इश्यूज को, चैलेंजेस को आपके सामने रखते हैं, लेकिन लाइफ इज जस्ट नॉट अबाउट चैलेंजेस, वी आर ऑल्सो टॉकिंग अबाउट फिलिंग द गैप. यहां पे वंस अगेन आई वॉन्ट टू प्रमोट दिस वन कन्वेंशन, इट इज गोइंग टू हैपन एट the Sheikh Zayed University in Abu Dhabi. It's an initiative by the Ministry of Education UAE. Ye hai ji Women as Global Leaders 2012 conference. I was very fortunate to be a representative of the country back in 2005-2006, and now I'm an international advisor to the program. It's an excellent program for girls, for ladies, for working professionals. Sirf ladkiyon ki conference hai aur March mein hai ji agle saal, lekin apply abhi aapne karna hai. So please make sure that you apply in time. Aap isko dhoond
ढूंढें ऑनलाइन जाके. देयर इज अ लॉट ऑफ गुड स्टफ हैपनिंग ऑनलाइन एंड वाया सेल फोन्स. वही बात जो मेरे पूरे पैनल ने, तमाम सुनने वालों ने, देखने वालों ने, कॉलर्स ने और हमारे यूथ पैनल ने भी कही कि इट इज हाउ यू यूज इट. सेल्फ कंट्रोल का एक्सलेंट एग्जाम्पल. डॉक्टर साहब थैंक यू वेरी मच फॉर बींग हेयर एंड फॉर शेयरिंग दीज इनसाइट्स. बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है भाई अगर आपकी नींद पूरी ना हो. ऐसा ना हो हम आपको बुलाना चाहेंगे लेकिन लोगों को आपके पास आने की जरूरत पड़े उससे पहले पहले सेल्फ कंट्रोल प्रैक्टिस कर लीजिए. अनिल थैंक यू वेरी मच. यू बिलोंग टू एन इंडस्ट्री दैट गेट्स अ लॉट ऑफ क्रिटिसिज्म बट थैंक यू फॉर मेकिंग अवर लाइफ सो मच इजियर एंड वी आर वेल कनेक्टेड एंड थैंक यू फॉर योर पर्सनल इनसाइट एंड एडवाइस दैट यू ऑफर टू दीज पीपल एंड वंस अगेन वाज अ प्लेजर हैविंग यू हियर. इसी के साथ माय यूथ पैनल द स्टार्स ऑफ द शो टुनाइट अली तूबा जहांगीर सोबिया इरम एंड इब्राहिम थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग हियर एंड फॉर शोइंग सच ग्रेट सपोर्ट फॉर दिस सब्जेक्ट ऑफ पैशन. तुम लोगों के लिए बड़ा जरूरी है और वही चीज हम बार बार कहते हैं कि इट्स रियली इम्पॉर्टेंट टू बी कनेक्टेड. आप लोगों से कनेक्ट करने के लिए हमारे पास टेलीफोन लाइन्स हैं. आप हमें कॉल करते हैं. वी आर हेयर एवरी फ्राइडे एवरी सैटरडे एट 10:10 PM. इन केस आपने अभी ज्वाइन इन किया हमारा प्रोग्राम खत्म हो गया. कल रिपीट होगा 4:10 PM पे. प्लीज डू वॉच इट देन. साथ ही साथ यू कैन सेंड मी योर कॉमेंट्स ऑन माई फेसबुक पेज. इट गोज बाय माई नेम सिद्रा इकबाल. यूट्यूब पे भी हम कल कि एपिसोड अपलिंक कर देंगे और आप इसको देख सकते हैं. अपने कमेंट्स, अपनी राय, अपनी फीडबैक हम तक जरूर पहुंचाएगा. हैव अ वंडरफुल वीकेंड. इंशाल्लाह ताला आपसे अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी. अपना बहुत ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज़.